हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th डे ऑफ वोकैबुलरी सीरीज, जहाँ पे हम डेली के 5 वर्ड्स करते हैं एंड इन 5 डेज को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको एक इमेज लगाई होती है, सो दैट आप उन वर्ड्स को इमेजेस के साथ कंपेयर करके बेटर तरीके से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रख सको. ठीक है, वर्ड्स को ज़्यादा रिपीट नहीं करना होता, यू हैव टू जस्ट रीड दैम फॉर 5 to 10 टाइम्स, एंड उसके बाद आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जब भी आप कोई नॉवेल पढ़ते हो या कोई बुक पढ़ते हो या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो वर्ड आपको एकदम से स्ट्रक कर जाएगा कि मैंने ये मीनिंग पढ़ा हुआ था. ठीक है, तो आज के जो 5 वर्ड्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से हैं. फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टूडे इज कंडोन. कंडोन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अलाउ करना, ठीक है, या तो अलाउ करना, अप्रूव करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जो होते हैं वो च्युइंगम खा तो लेते हैं क्लास में, बट डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि अब पनिशमेंट मिलेगी या वो टीचर अलाउ कर देगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने इमेज में एक कोट लगाया है, डज द बाइबल कंडोन जिनोसाइड. तो जिनोसाइड होता है जब किलिंग होती है, मास किलिंग होती है एक तरह से. ठीक है, मास किलिंग ऑफ ह्यूमन, जब एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है तो उसको बोलते हैं जेनोसाइड. तो यहाँ पे एक आदमी जो है ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सच में बाइबल जो है वो अप्रूव करती है, कंडोन करती है जेनोसाइड. तो ये क्वेश्चन कर रहा है एक तरह से. ठीक है, तो कंडोन जो होता है ये आपका पॉजिटिव वे में भी यूज़ हो सकता है एंड नेगेटिव वे में भी यूज़ हो सकता है. पॉजिटिव वे में तो मतलब कि ठीक है, अलाउ कर दी कोई चीज़, और नेगेटिव वे में मतलब अलाउ तो कर दी पर वो जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव है और अगेंस्ट है. किस चीज़ के? अगेंस्ट योर मोरल्स. ठीक है, कोई चीज़ जब मोरल्स के अगेंस्ट है बट समवन इज़ कंडोनिंग दैट थिंग, तो वो हो जाता है इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस. ठीक है, और पॉजिटिव में भी इसको यूज़ कर सकते हो. तो इट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द स्टेटमेंट और द सेंटेंस. ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड जो था दैट इज़ कंडोन. कंडोन मतलब टू अप्रूव और टू अलाउ. उसके बाद जो सेकेंड वर्ड है हमारे पास दैट इज़ एलिविएट. तो एलिविएट आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा. इफ़ यू आर हैविंग हेडेक देन टेक डिस्प्रिन एंड यू वुड बी एलिविएट. तो एलिविएट मतलब अगर आपको मालूम बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है सिर में, तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि मुझे रिलीफ मिल जाता है इस पेन से. ठीक है, तो वही होती है हमारी एलिविएट. एलिविएट मतलब टू रिलीव पेन. एग्जाम्पल, एस्पिरिन हेल्प्स इन एलिविएटिंग हेडेक. ठीक है, और इमेज में भी मैंने वही लगाया. ये एक बुक है वैसे, यहाँ पे लिखा है एलिविएट हेडेक्स. एलिविएट या मेडिटेशन के थ्रू कैसे हम हेडेक को ठीक कर सकते हैं, तो वही रिप्रेजेंट करा गया है यहाँ पे. ठीक है, तो एलिविएट मतलब टू रिलीव पेन. उसके बाद जो थर्ड वर्ड है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा मे बी आपको. इसका आप साथ में ना इमेज भी देखते चलो, ये वाली इमेज. ठीक है, यहाँ पे जो एक लेडी है और एक बेबी है, ये वाली इमेज. तो ये होता है हमारा हरैंग. क्या होता है हरैंग? हरैंग मतलब कि आप बहुत ही ज़ोर से बोल रहे हो, बहुत ही गुस्से में बोल रहे हो. ठीक है, और थोड़ा टाइम नहीं, बहुत देर होगी आपको गुस्से में बोलते जा रहे हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते जा रहे हो. आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, किसी को परसुएड कर रहे हो, तुम मतलब किसी को उकसा रहे हो कि ये काम कर, ये मत कर. ठीक है, तो दैट थिंग इज़ हरैंग. मतलब कोई चीज़ जो होती है जब वो मोर देन स्पीच हो जाती है, लाउडर देन डिस्कशन चला जाता है, एंड नेस्टियर देन लेक्चर चला जाता है, मतलब दैट इज़ अ डैम अनप्लेजेंट सिचुएशन. तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ हरैंग. तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी पर्सन का नेचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस मच दैट ही वॉज स्पीकिंग टू लाउड इन अ वेरी एंग्री वे एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन डोंट से दैट, बिकॉज आपको ये 4 लाइन्स बोलनी पड़ेगी. तो यू कैन रिप्लेस दिस 4 लाइन स्टेटमेंट इन टू अ 1 वर्ड दैट इज हरैंग. क्या बोलेंगे? हरैंग. ठीक है, उसके बाद आपके पास रहता है हमारा 4th वर्ड दैट इज माइग्नैनिमिटी. क्या है माइग्नैनिमिटी? तो माइग्नैनिमिटी को भी आपने इमेज में देखना है, जैसे सेंटा क्लॉज नहीं होते, तो उनके नेचर को मैं कहूँगी कि नेचर ऑफ सेंटा क्लॉज इज मैग्नैनिमस. तो मैग्नैनिमस का मतलब भी वही होता है और मैग्नैनिमिटी का भी वही मतलब होता है. ठीक है, एडजेक्टिव वर्ब नाउंस का फर्क पड़ता है. तो हेयर वर्ड इज मैग्नैनिमिटी. मैग्नैनिमिटी का मतलब क्या रहता है? कोई पर्सन जो कि बहुत ही जेनरस है, ठीक है, जैसे सेंटा क्लॉज है, और हिंदी में बोलूँ तो क्या बोल सकते हैं, उदार.
ठीक है, तो माइग्नेनिमिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा बिहेवियर जो कि बहुत नोबल है, जेनरस है और अनसेल्फिश है, ठीक है, मतलब कि कोई बात ही नहीं है उसमें, ठीक है, तो उस बिहेवियर को क्या बोल सकते हैं? मैग्नेनिमिटी। पर्सनली भी मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, माइग्नेनिमिटी, सो आई नेवर से दिस नोबल और जेनरस और अनसेल्फिश, आई यूज टू से दैट द नेचर ऑफ दिस पर्सन इज वेरी मैग्नेनिमस या मैग्नेनी फिल्ड विद मैग्नेनिमिटी। देन फिफ्थ वर्ड है वी आर हैविंग टूडे इज, ये है जैसे आप मान लो बहुत ही एक्टिव हो, तो ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये उन लोगों के लिए है जो हर टाइम उनको लगता है हम थके हुए हैं, हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, हम बहुत लेजी हैं, मतलब वो प्रिटेंड तो नहीं करते खुद को कि हम लेजी हैं, बट दे आर लेजी इन एक्चुअल, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो क्या है, समवन हु इज लैकिंग एनर्जी और फीलिंग लेजी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्लगिश यू कैन यूज अदर ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जैसे लिस्टलेस, लिथार्जिक और इनएक्टिव। जैसे मैंने पिक्चर भी लगाई है, ये पर्सन जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ही समझो, बहुत योनिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है योनिंग? बिकॉज दैट पर्सन इज स्लगिश, दैट पर्सन इज लिस्टलेस, दैट पर्सन इज लिथार्जिक, ठीक है। तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का, तो जो फर्स्ट वर्ड था आपने इमेज में भी देखते चलना साथ साथ में, ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड था दैट वॉज कंडोन। कंडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को अलाउ करना, किसी चीज़ को अप्रूव करना, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो वर्ड था दैट वॉज एलिविएट। एलिविएट मतलब टू रिलीव पेन, कैसे आप पेन को रिलीव करोगे, कोई भी पेन हो सकता है, इट कैन बी अ फिजिकल पेन, इट कैन बी योर इमोशनल पेन, तो उसको आप कैसे लोअर डाउन कर रहे हो, तो दैट इज एलिविएट, टू लोअर डाउन द पेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो था दैट इज हरेंग। हरेंग आपको पिक्चर में दिख रहा है, मतलब आप चिल्ला रहे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो बिकॉज आप गुस्से में हो और बहुत देर हो गई आपको चिल्लाते हुए, और कर क्या रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, ठीक है, तो समथिंग विच इज मोर देन स्पीच, लाउडर देन डिस्कशन एंड नेस्टियर देन लेक्चर इज नोन एज हरेंग। फिर उसके बाद जो फोर्थ वर्ड था दैट वॉज द मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी जो होता है ये एक तरह का बिहेवियर होता है किसी भी पर्सन का, तो कैसा बिहेवियर होता है, नॉबल होता है, जेनरस होता है, लाइक अ सेंटा क्लॉज। उसके बाद स्लगिश पड़ा था, स्लगिश मतलब कोई पर्सन जिसमें जिसको ऐसे लगता है हर टाइम कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर ये हो रखा है, वो हो रखा है, मतलब काम नहीं करना है, कुछ नहीं, बस आलसी होके बैठे रहना है, तो दैट इज स्लगिश, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 वर्ड्स ऑफ द डे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और ये वर्ड्स आपको क्या करना है, दिन में 5 to 10 टाइम यूज़ कर लेने हैं, और उसके बाद आपको ये फॉर एवर याद हो जाएंगे, ठीक है। आप फिर कोई नॉवेल पढ़ते हो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, आपको ये वर्ड्स जब भी दिखेंगे ना, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।